अनुराग ने मुनव्वर फारूकी दी धमकी। मुनव्वर फारूकी की इस बात को नहीं भूल पाए अनुराग डोभाल। मुनव्वर को ना पसंद करते हैं अनुराग डोभाल। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रो। बिग बॉस सीजन 17 से अनुराग डोभाल का पत्ता साफ हो चुका है। शुरुआत से ही मेकर से पंगा मोल लेने वाले यूट्यूबर सलमान खान के शो हराने के बाद न सिर्फ मेकर के खिलाफ बल्कि कई कंटेस्टेंट्स के खिलाफ भी चेहर उगलते हुए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू में बताया था कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस सीजन 17 के एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब हाल ही में बाबू भैया ने एविक्ट होने के बाद मुनव्वर फारूकी से अपनी पुरानी भड़ास निकालते हुए बड़ी धमकी दे डाली है। अनुराग डोभाल ने बातचीत करते हुए मुनव्वर फारूकी को दरिंदा और लड़कियों की भावनाओं तक से खेलने वाला बता दिया है। अब हाल ही में इसी बातचीत के दौरान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर उनकी भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पुरानी बातों को भूले नहीं हैं। अनुराग डोभाल ने बातचीत में कहा, मुनव्वर स्टैंड अप कॉमेडियन है और मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। उन्होंने मेरी भावनाओं और मेरे विश्वास को ठेस पहुँचाई है। उसे लगा होगा कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं नहीं भूला था। अनुराग डोभाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर कोई आपकी भावनाओं को आहत करता है तो उसे माफ करना बेहद ही मुश्किल होता है। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैं मुनव्वर फारूकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि उसके पास कई शोज पहले ही कैंसिल हो चुके हैं और अब वो उस जगह पर परफॉर्म ही नहीं कर सकता जहाँ मैं रहता हूँ। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको बता दें, बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी के खिलाफ अनुराग की डिसलाइकिंग शुरुआत से ही देखने को मिली थी। वो शुरुआत में यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबर्स अरुण माशेट्टी और तहलका को कई बार मुनव्वर के खिलाफ भड़काते नजर आ चुके हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।